वीडियो होगा वो है सीटी स्कैन में जो स्पाइन होता है उस स्पाइन का ट्रेस व्यू कैसे होता है। पहले देखिए मेरे पास एक सीटी स्पाइन का इमेज निकालता हूँ। मेरे पास जो एल स्पाइन का वीडियो था वो तो डिलीट हो गया, लेकिन मैं जो सीटी का जो सीटी पेशेंट का जो एक है जो मेरे पास है थोराक्स एब्डोमेन उस पेशेंट का मैं एकदम से आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है सीटी ट्रेस व्यू। पहले आप एक थीम सिलेक्ट करिए प्लेन वाला थीम, उसके बाद इसको रिफॉर्मेंट में जाइएगा। रिफॉर्मेंट के जाने के बाद इधर वो एक्सियल और ऑब्लिक सजेटल और कॉर्नल चारों इमेज निकल आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो ट्रेस व्यू किस लिए होता है। जिस पेशेंट का स्कोलियोसिस हुआ है, बोन स्कोलियोसिस है स्पाइन का, उस पेशेंट का स्पाइन का ट्रेस व्यू निकलते हैं हम। इस पेशेंट का थोड़ा टिल्ड है कमर में, थोड़ा जो कमर है कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले आप इसको यहाँ पे आके कार्व व्यू कर लीजिएगा। इसका अनडिफाइंड कार्व दिख रहा है आपको, उसके बाद आप इधर आइएगा। इधर आने के बाद आप यहाँ पे जो लिखा है मल्टी ऑब्लिक यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आप इसको सीधा करिए, जो स्पाइन की बीचों बीच रहना होगा आप ये तो सही है। उसके बाद आप थोड़ा एंड ऑफ स्पाइन यानी कॉक्सिस में आ जाइएगा। कॉक्सिस में आने के बाद ये जो दिख रहा है मैंने किया है, ये जो स्पाइन के बीचों बीच जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन है आपको जो क्या है इसको बनाने के लिए आपको कंप्यूटर में जो शिफ्ट है कीबोर्ड में उस शिफ्ट बॉटम एक बार प्रेस करके माउस क्लिक करके लेके जाना होगा, लेकिन आपको क्लिक करके छोड़ना होगा, पूरा नहीं खींचना। पूरा खींचेगा तो ये ऐसे नहीं आता। एक बार शिफ्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे क्लिक करके आता है। और जो मैंने जो इधर जो जो लाइन दिख रहा है यार, लाइन थोड़ा बड़ा है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं छोटा, लेकिन आपका जो निकल गया इसको यहाँ पे आके ट्रेस में आके जो लास्ट पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट में आके क्लियर द लास्ट पॉइंट क्लिक कीजिएगा, तो लास्ट पॉइंट ये देखिए लास्ट पॉइंट निकल गया। ये आपका हो गया ट्रेस व्यू। आपको ट्रेस व्यू का फिल्म बनाने के लिए आप इधर पे आइएगा, यहाँ पे माउस क्लिक करके एक इमेज को सेव कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ से आने के बाद जो मैंने याद किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आके माय टूल्स पे आने के बाद ये जो बैज ऑप्शन आपको दिख रहा है ये बैज ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद लूप में जाइए, लूप में जाने के बाद सेट स्टार्ट, सेट स्टार्ट होने के बाद इसको आप नीचे की तरफ लीजिए, इसमें सेट एंड पे आ जाइए। उसके बाद मुझे 10 इमेज चाहिए, आप 10 इमेज लीजिएगा। उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कैसे प्रीव्यू हो रहा है। होने के बाद अब इसको ओके कर दीजिए। इसको होने के बाद आप चाहे तो इसका जो एनोटेशन है एनोटेशन भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे आके फुल एनोटेशन ले सकते हैं, फुल नहीं चाहिए तो आपका यहाँ पे आके
जो एनोटेशन है, एनोटेशन में आके पार्टी, जो पार्टियल और कस्टमर्स और यूज ग्राफिक्स आप जो चाहिए उसे ले सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, छोड़िए। उसके आने के बाद जो एग्जिट है इसको एग्जिट कर दीजिएगा। एग्जिट होने के बाद अब मुझे फिल्म, जो ट्रेसिंग का फिल्म होता है, ट्रेसिंग का फिल्म कैसे होता है वो देखिए। जो ये वाला एक इसे मैनुअल फ्रेम कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज होने के बाद मैंने जो 10 इमेज लिया था, उस 10 इमेज कहाँ है, ये वाला आ गया। आने के बाद अब इसको मैनुअल फ्रेम में डाल दीजिए, ये आ गया। इसको आप यहाँ पे आके 1, 2, 3, 4, 4, 2, 8, 5, 10 ऐसे फिल्म कर लीजिए। इसको आने के बाद अब इसमें क्लिक करके इसको थोड़ा सर इसको पूरा एक लॉन्ग शेप देना है, इसमें आपका स्पाइन अच्छे से दिख जाएगा। अब इसको शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जितना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक इमेज को भी ले सकते हैं। यहाँ पे आके अब इसको जूम कर दीजिएगा, ये हो गया मेरा जूम। अब इसको आप इधर से आके सेट कर दीजिए। तो फिलहाल हो गया। अब इसका अब और एक क्या काम है, आपका काम है यहाँ पे एक यहाँ पे एनोटेशन में आना होगा, इसको फुल राइट में लिखना होगा। यहाँ पे आके मुझे लिखना है L5 लिख दिया, आप देख सकते हैं। सॉरी मैं मिस्टेक L1 इसमें लिखना होगा आपको L5। यहाँ पे काट गया मेरा, जस्ट इसको एग्जांपल के लिए इसमें आपको लिखना है और टॉप में इसको लिखना है D1, यानी मतलब डॉर्सल स्पाइन। इसको आप ऐसे लीजिएगा, ये हो गया आपका फिल्म। अब जो पीछे वाला जो है काट गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इधर हो गया आपका ट्रेसिंग व्यू, कितना अच्छे से आ रहा है आपका स्पाइनल कट देख सकते हैं। अभी ऐसे होता है आपका जो सीटी ट्रेसिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है। आप चाहे प्रिंट देख सकते हैं कि मेरे पास प्रिंट ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए ये वाला प्रिंट, तो हम इसको डिलीट करते हैं। ये हो गया आपका सीटी स्कैन स्पाइन का ट्रेसिंग व्यू।
कैसे होता है,